मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम इस पाठ के दो पैरे पढ़ चुके थे, आज हम तीसरा पैरा पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम था सदाचार है विद्यार्थी नाम आभूषणम, अर्थात सदाचार ही विद्यार्थियों का आभूषण होता है, अच्छा आचरण। स्वच्छंद आचरणम उच्च श्रृंखलाचरणम अनुशासनहीनता भवती। स्वच्छंद आचरण से उद्दंडता और अनुशासनहीनता ही बढ़ती है, अर्थात जब हमारा व्यवहार स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात हमें कोई रोकता टोकता नहीं है या हम किसी का कहना नहीं मानते, तो जो हमारा व्यवहार है वह उच्च श्रृंखल उद्दंड और उसमें अनुशासनहीनता आ जाती है। अनुशासनहीनता एव पतनस्य विनाशस्य च मूल कारणम्। और यही अनुशासनहीनता, यही जो अनुशासनहीनता आती है वो किसका कारण बनती है? पतनस्य विनाशस्य च मूल कारणमस्ति। पतन का और विनाश का मूल कारण बनती है, अर्थात अनुशासन जब हमारे जीवन में नहीं रहता तो वो हमारे को अवनति के मार्ग की ओर ले जाता है। सुछात्रे अच्छे विद्यार्थी विद्या सह विद्या के साथ सदाचार से सदा अच्छे आचरण की आदधानम, वो आदधानम उसको ग्रहण करते हैं, या जो अच्छे विद्यार्थियों में जो विद्या के साथ साथ अच्छा आचरण होता है वो किसकी भांति होता है? मणि कांचनों संयोग है भवती, मणि कंचन के संयोग के सम्मान समान होता है। मणि कंचन संयोग है कि जिस प्रकार सोने में जो मणि है, मोती है, वो अच्छा लगता है, जिससे सोने की शोभा और बढ़ जाती है, उसी प्रकार जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो विद्या तो ग्रहण करते ही हैं, लेकिन अगर उनका व्यवहार अच्छा होता है तो मणि कंचन के संयोग के समान होता है। सदाचारी विद्यार्थी अतीव शोभते, और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, अच्छा जिनका व्यवहार होता है, वो हमेशा ही सम्मान प्राप्त करते हैं। सदाचारस्य बलेन, सदाचार के बल से तस्य उनकी किनकी अच्छे विद्यार्थियों की आत्मिकी आत्मा की शारीरिकी और शारीरिक शक्ति वर्धते बढ़ती है। जो अच्छा आचरण रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, वो न तो आत्मा अर्थात शरीर के शरीर से भी बलशाली होते हैं। अतः इसलिए विद्यार्थी सदाचारी भवेत, इसलिए विद्यार्थियों को हमेशा ही सदाचारी होना चाहिए, अर्थात उनका व्यवहार हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। एक बार फिर देखो, स्वच्छंद आचरणम उच्च श्रृंखलाचरणम अनुशासनहीनता भवती। स्वच्छंद आचरण से ही उच्च श्रृंखलता और अनुशासनहीनता आती है, और अनुशासनहीनता ही पतन और विनाश का मूल कारण बनते हैं। अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो विद्या के साथ साथ अच्छे आचरण को उसी प्रकार ग्रहण करते हैं, या उनका उसी प्रकार सुशोभित होते हैं जिस प्रकार मणि और कंचन, या मणि या सोने के संयोग से आभूषण या पहनने वाला होता है। और सदाचारी विद्यार्थी हमेशा ही सम्मान को प्राप्त करते हैं, और सदाचार के बल पर ही उनकी न आत्मा की अपितु शारीरिक शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। और सदाचारी विद्यार्थी हमेशा ही अच्छे विद्यार्थी कहलाते हैं। सर्वगुणहीनों अपि विद्यार्थी यदि सदाचारी अस्ति, सर्व सभी गुणहीनों गुणों से हीन अपि भी विद्यार्थी यदि सदाचारी अस्ति, यदि सदाचारी हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, यदि सभी विद्यार्थियों के अंदर, सभी विद्यार्थियों के अंदर जो गुण हैं, अन्य गुण हैं, नए भी हों, केवल एक ये वाला गुण सदाचारी अच्छे व्यवहार का गुण हो, यह सर्वेशम, तो भी वह विद्यार्थी सर्वेशम सभी गुरुजनानाम गुरुजनों के माता पित्राम पित्रोच स्नेह पात्र भवती, और माता पिता के स्नेह का पात्र भवता है, बनता है। दीर्घायु च लभते, और लंबी आयु को प्राप्त करता है। सदाचार है विद्यार्थी नाम आभूषणम, और सदाचार ही विद्यार्थियों का बहुत अच्छा आभूषण है। विद्यार्थी विद्यालयस्य आभूषणम, क्योंकि विद्यार्थी क्या होते हैं, वो तो विद्यार्थी विद्यालय का आभूषण होते हैं,
और विद्यार्थियों का आभूषण क्या होता है? सदाचार होता है, अच्छा व्यवहार होता है। अतः इसलिए सर्वे विद्यार्थिनः, सभी विद्यार्थियों को सदाचारिणः भवेयुः, सदाचारी होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी को अपना आचरण, अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। वृतम यतनेन संरक्षेत, वृतम वृतम है आचरण को, यतनेन परिश्रम से, कठिन उससे संरक्षेत इकट्ठा किया जाता है कि ये जो आचरण है अगर हम इसको सुरक्षित रखें, इसको अपना धन बना लें। दूसरा धन क्या होता है? वित्तम आयाति याति, दूसरा धन तो आता जाता रहता है, लेकिन जो आचरण रूपी धन है यदि हमारे पास सुरक्षित है तो वो हमारा आभूषण बनता है, वो हमारी शोभा को बढ़ाता है। तो आइए विद्यार्थियों अब हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कथ्यते कहलाता है, सद सच्चा या अच्छा, धात्री धारण करने वाली, निर्मात्री बनाने वाली, शास्त्रोक्ता शास्त्रों में कहा गया, स्वच्छंद है मनमानी, उच्च श्रृंखला उद्दंड, कारणम कांचनम सॉरी कांचनम सोना, वृतम आचरण, वितम धन, आयाति आता है, याति जाता है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा उसमें अभ्यास कार्य करेंगे। और बार बार आपको कहा जाता है लेसन को बहुत डीपली, आपको एक एक वर्ड बताया जाता है, पाठ के नाम को अच्छी तरह से, इसमें क्या बताया गया है, इनका अर्थ क्या है, आपको सारा आना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक शब्द का मीनिंग समझाया है, अर्थ समझाया है। तो जब भी आपसे पाठ पढ़वाया जाए, पाठ की हिंदी करवाई जाए, तो बेटा इसको